अब हम पढ़ेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो, इस चैनल पर हमने एक क्रैश कोर्स चालू किया है और इस क्रैश कोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों पर फोकस करेंगे, इसलिए इस क्रैश कोर्स का हमने नाम रखा है फॉर्मूला शॉर्ट। और देखो, इस क्रैश कोर्स में हम ये चार चैप्टर कर चुके हैं और आज कौन सा चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अगर इन चारों चैप्टर में से आपने कोई सा नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज, एन क्या है, इंटीजर वैल्यू। और ध्यान रखना, एन जो है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है, एन कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। और यहाँ पर ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वन ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, ठीक है। चलिए अब देखो, फंडामेंटल चार्ज कुछ नहीं, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको हम कह देते हैं फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब देखो कूलम्ब से लो, अब देखो जब भी दो चार्जेस बराबर में रखे होते हैं तो उन पर फोर्स लगता है, ठीक है। अब कितना फोर्स लगता है वो बताता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्जेस का साइन अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो फोर्स सेकंड वाले चार्ज ने फर्स्ट वाले चार्ज पर लगाया उसको हमने कहा फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, और जो फोर्स फर्स्ट वाले चार्ज ने सेकंड वाले चार्ज पर लगाया उसको हम कहेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आया, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, कूलम्ब कॉन्स्टेंट, क्यू वन क्यू टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। अब देखो, के की वैल्यू ये होती है 1/4 पाई एप्साइलन। अब एप्साइलन क्या है, एप्साइलन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलिए अब देखो, कूलम्ब्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो, कूलम्ब कांस्टेंट की जनरल वैल्यू तो ये थी 1/4 पाई एप्साइलन, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम की आप बात करेंगे तो यहाँ एप्साइलन की जगह एप्साइलन नोट आ जाएगा। अब एप्साइलन नोट क्या है, तो ध्यान रखो एप्साइलन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन था तो ये थी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब वैक्यूम में जो कूलम्ब कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ध्यान रखना आप, ठीक है। और के की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, रिलेशन बिटवीन फोर्स, कूलम्ब कांस्टेंट एंड परमिटिविटी, ठीक है। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, क्यू वन क्यू टू तो कांस्टेंट है और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर 1/4 पाई तो कांस्टेंट है और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कूलम्ब्स कांस्टेंट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम के, ठीक है। मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा और परमिटिविटी ऑफ मीडियम कम होगी, ठीक है। वहीं अगर फोर्स कम होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट भी कम होगा और परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब फोर्स का और कूलम्ब कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जबकि फोर्स का और परमिटिविटी ऑफ मीडियम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए अब देखो, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ठीक है। देखो, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स जीरो, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्विलिब्रियम यह कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लो क्यू वन क्यू टू, ठीक है, और अगर हम तीसरा चार्ज पुट करना चाहें तो कहाँ पर पुट करें,
ताकि इस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लगे, मतलब ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पर लगे। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट कहता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, चलो, तो इसमें दो केस होते हैं। एक होता है केस वन, अगर क्यू वन और क्यू टू का जो साइन है वो सेम है। ठीक है, मतलब मान लो ये क्यू वन चार्ज है और ये क्यू टू चार्ज है, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है। ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम है। ठीक है, तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो आप तीसरे चार्ज को इन दोनों के बीच में रखोगे तभी वो इक्विलिब्रियम पर रह सकता है। अगर आप यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब इन दोनों के बीच में ना रखकर यहाँ पर या यहाँ पर रख दोगे तो वो नेट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ। केस वन क्या कहता है कि अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो थर्ड चार्ज को आप कहीं ना कहीं बीच में प्लेस करोगे तभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम स्मॉलर चार्ज और एक्स दूरी पर छोटे चार्ज से। ठीक है, आगे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, अब देखो, ये Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है, Q1 स्मॉलर चार्ज है Q2 बिगर चार्ज है। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं इनका सेम साइन है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली बात क्या पता चली हमें, अगर सेम साइन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में रखोगे तभी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर आ पाएगा। ठीक है, और जो छोटा चार्ज है मतलब Q1, इसे x दूरी पर रखोगे, मतलब आप अगर Q चार्ज को यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये Q चार्ज का जो नेट इक्विलिब्रियम सॉरी नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी वो आपको ये याद करनी है। वो x की वैल्यू होती है अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू इंटू एल। एल क्या है, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, चलिए अब देखो केस टू देखते हैं। केस टू, अगर क्यू वन और क्यू टू आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, मतलब Q1 और Q2 की जो साइन है वो अपोजिट है, तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। ठीक है, अब मान लो ये Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है, अब ये मान लो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। ठीक है, तो अगर इन दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है तो तीसरे चार्ज को आप बीच में नहीं रख सकते। तीसरे चार्ज को आप या तो यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे तभी तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पर रह पाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर रखेंगे, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, अब मान लो Q1 चार्ज स्मॉलर है मान लेते हैं, तो इसे x दूरी पर रखोगे तभी वो इक्विलिब्रियम पर रह पाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, अब इन दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल L और मान लेते हैं Q1 जो है वो स्मॉलर चार्ज है। ठीक है, तो पहली चीज, अगर इन दोनों चार्जेस का साइन अपोजिट है तो कहीं बीच में तो नहीं रख सकते। ठीक है, या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में सॉरी फिर पीछे क्या बोला था कि कहाँ रखेंगे हम, एक्स दूरी स्मॉल चार्ज से। ठीक है, अब देखो क्यू वन स्मॉलर चार्ज है तो इससे एक्स दूरी पर रखोगे आप, तो मतलब यहाँ पर कहीं अगर आप क्यू चार्ज को पुट कर दोगे तो इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। और x की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन मल्टीप्लाई कैपिटल L। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो परमिटिविटी, परमिटिविटी को डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। ठीक है, अब देखो पहली चीज, फोर्स की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, वो थी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स में और कूलम्स कांस्टेंट में और परमिटिविटी में ये रिलेशन है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान रखना वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, चलिए अब देखो फोर्स इन वैक्यूम देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू वैक्यूम में क्या हो जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने पीछे पढ़ा एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम सबसे मिनिमम होती है। ठीक है,
तो अब देखो फोर्स में और परमिटिविटी में इन्वर्सली रिलेशन है, आप यहाँ से देख सकते हो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर ये मिनिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, मतलब आप ये कह सकते हो वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक, और ये भी कह सकते हो जो कूलम कॉन्स्टेंट है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और आप ये भी कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन नॉट है मतलब परमिटिविटी है वैक्यूम में वो सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए तो देखो फोर्स इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है। ठीक, चलिए अब देखो कूलम कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम वो होता है 1/4 πε0 और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, वो उसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखो कि इसको हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। आप कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पढ़ते हो ना वो कुछ नहीं, वो रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो अगर एक क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q×E। यहाँ पर Q क्या है, जितना भी मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, E क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो देखो ये तो फोर्स का हुआ मैग्नीट्यूड, अब इसके डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इस पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब देखो मान लेते हैं प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, कूलम्स कॉन्स्टेंट, क्यू क्या है, जितना भी मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, आर क्या है उस पी पॉइंट की, उस क्यू चार्ज के सेंटर से दूरी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा ये तो फील्ड अवे लगेगी, जबकि निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड टूवर्ड द चार्ज लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखो एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, वो नोट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मतलब अगर एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो इस नोट पॉइंट को यहाँ अप्लाई करते हैं, अब देखो एक रेक्टेंगल है, इस पर प्लस क्यू चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। वहीं एक स्क्वायर है, ठीक है, अब इसके हर एक कॉर्नर पर निगेटिव क्यू चार्ज रखा है, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सेंटर पर वो भी हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब देखो ये इलेप्टिकल बॉडी है, अब इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखो ये सिमेट्रिकल बॉडी है और चार्ज भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, चलिए अब ये एक सर्कल है, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर भी हो जाएगी जीरो। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी वो थी पॉइंट चार्ज की वजह से, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे 1D बॉडी पर। ठीक है, 1D बॉडी क्या होगी, रोड, अब रोड पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, तो 1D बॉडी के लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कि मतलब कितनी लेंथ में कितना चार्ज है उसको हमने कह दिया लैम्डा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2D बॉडी की। ठीक है, अब देखो 2D बॉडी क्या होगी, एक स्क्वायर। ठीक है, हम मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका एरिया है ए। ठीक है, तो 2D बॉडी के लिए हम जो टर्म डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम कह देंगे सिग्मा। ठीक है, चलिए अब देखो 3D बॉडी, अब ये एक स्फेयर हो गया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है
और इस पूरे वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो 3D बॉडी के लिए हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। उसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसी को हम कह देंगे सिग्मा। ठीक है, सॉरी सिग्मा नहीं, रो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखो ये 1D बॉडी है, ठीक है, अब इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर ए दूरी पर इसके एक कॉर्नर से एक पी पॉइंट है तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है के क्यू अपॉन एल प्लस ए इंटू ए। ठीक है, चलिए इसको अमूमन इस तरह से याद करते हैं कि के क्यू लिख दो, क्यू जितना भी इस बॉडी पर चार्ज है, फिर नीचे आओ तो इस वाले कॉर्नर से जितनी दूरी है अपॉन और इस वाले कॉर्नर से कितनी दूरी है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर से कितनी दूरी है ए, इस वाले कॉर्नर से कितनी दूरी है एल प्लस ए। ठीक है, तो ए यहाँ आ जाएगा और एल प्लस ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे भी याद करो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन एल प्लस ए इंटू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू आर्क। अब देखो एक आर्क है जिस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा और इसकी रेडियस है आर। अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो ध्यान रखना इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है? जितना भी चार्ज है। ठीक है, चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर k क्या है? कूलम्ब कॉन्स्टेंट। लेमडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द आर्क। अल्फा क्या है? जितना भी एंगल है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। जैसे पहला केस, अगर सर्कल है, ठीक है, तो देखो सर्कल का जो लेमडा है, मतलब जो सॉरी लेमडा नहीं है, एक मिनट रुकिए, यह है सिग्मा, सॉरी सिग्मा भी नहीं है, यह है अल्फा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने एंगल को अल्फा माना है। अमूमन हम एंगल को क्यू मानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्यू नहीं माना, क्योंकि देखो क्यू तो हम यहाँ पर चार्ज को मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किल के लिए जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एंगल पुट करोगे तो वो हमेशा रेडियन में पुट करोगे। ठीक है, एंगल में डिग्री में पुट नहीं करना, रेडियन में पुट करना है। ठीक है, चलिए तो देखो एक सर्किल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यह हो जाएगा 2π। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ओ, मतलब एट द सेंटर ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी? देखो 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, एक आर्क का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्किल के केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 2k लेमडा अपॉन आर साइन, अब देखो अल्फा कितना है? 2π अपॉन 2, 2 से 2 जाएगा तो हो जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 180 डिग्री। ठीक है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो एक सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, चलिए उसी तरह से सेमी सर्कल के केस में देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल के केस में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 180 अपॉन 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो सेमी सर्कल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में इस फॉर्मूले में आप अल्फा को डिग्री में भी रख सकते हो, वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। ठीक है, चाहे डिग्री में रखो चाहे रेडियन में रखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो जो बात मैंने बोली है वो मैग्नेटिज्म में लागू होती है। ठीक है, तो चाहे आप एंगल को डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए
अब देखो क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, पाई अपॉन टू, मतलब 90 डिग्री। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल कर बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। अब देखो ये एक इनफाइनाइट वायर है जिस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये आर दूरी पर एक पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 2k लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर k क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, आर क्या है, जितने भी इस पी पॉइंट की इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर से दूरी है। ठीक है, चलिए अब देखो सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। अब देखो यहाँ पर एक सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, तो अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ठीक है, देखो वायर इस तरह से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो इसको हमने नाम दिया ई परपेंडिकुलर। और देखो वायर इस तरह से है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो देखो दोनों पैरेलल है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, के लैम्डा अपॉन आर। के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर क्या है, इस पी पॉइंट की इस वायर से दूरी। और ई पैरेलल की वैल्यू भी होती है के लैम्डा अपॉन आर, ई परपेंडिकुलर की भी वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो अगर आपसे परपेंडिकुलर वैल्यू पूछे तो आप कहोगे के लैम्डा अपॉन आर, पैरेलल वैल्यू पूछे तो भी आप कहोगे के लैम्डा अपॉन आर, लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप कहोगे अंडर रूट टू के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो नेट की डायरेक्शन कुछ ना कुछ इस तरफ होगी और आप वेक्टर लगाकर वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, पैरेलल और नेट सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में तीनों पता होनी चाहिए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब देखो एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके सेंटर से पी दूरी पर, सॉरी इसके सेंटर से एक्स दूरी पर एक पी पॉइंट है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, जो कि होती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द रिंग, एक्स क्या है, इस पी पॉइंट की रिंग के सेंटर से दूरी। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट तो यह आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर तीन चीजें आपको और पता होनी चाहिए। पहली, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब सेंटर पर रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, और तीसरी चीज, इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, चलिए अब देखो एक ग्राफ है, ये रिंग है। ठीक है, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, अब इनफाइनाइट पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है जीरो। ठीक है, वो देखो माइनस आर अपॉन अंडर रूट टू पर और प्लस आर अपॉन अंडर रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जबकि निगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, अब देखो ये बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा डेंस हैं और सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा डेंस हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सी पॉइंट पर। लेकिन देखो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम डेंस हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ए पॉइंट पर सबसे लेस होगी। ठीक है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और जनरली वो होती है 2L। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, मतलब जितना चार्ज है
पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, वो जाएगा चार्ज कितना है q, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है 2L। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का ये होता है और जनरली इसी केस को हम पढ़ते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट का ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो डाइपोल मोमेंट है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, मतलब इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, अब देखो ये एक डाइपोल मोमेंट है, अगर आप यहाँ पर इस वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सियल, ठीक है, एक्सियल पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर, इस वाली लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वो है एक्सियल, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो इक्वेटोरियल। अब चलिए देखते हैं केस वन, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये डाइपोल मोमेंट है, अब इस सेंटर से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर k क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, r क्या है सेंटर से उस पी पॉइंट की दूरी, l क्या है सेंटर से एक चार्ज की दूरी। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमेशा वैलिड होगी और बहुत से बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होगी। ठीक है, सब ने क्या पढ़ा है, फॉर श्योर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितनी होती है, 2kp अपॉन r की पावर 3। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सियल की जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यह है 2kr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, जो आपको याद होना चाहिए, और शोर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 2kp अपॉन r की पावर 3। और ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और एक्सियल के केस में जिस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, चलिए अब इक्विटोरियल के देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्विटोरियल पर सेंटर से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमेशा वैलिड है और आपने क्या पढ़ा है, फॉर शोर डाइपोल, मतलब अगर बहुत छोटा डाइपोल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, निगेटिव के पी अपॉन आर की पावर 3। अब देखो समरी में क्या याद करना है, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू 2L, डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ये हमेशा वैलिड होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेमस टर्म कौन सी है, फॉर स्मॉल डाइपोल, तो वो आपने पढ़ी है एक्सियल के केस में 2kp अपॉन आर की पावर 3 होता है। ठीक है, और जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इक्विटोरियल पर आओ तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव इसलिए आया क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, लेकिन ज़्यादा फेमस फॉर्मूला कौन सा है, फॉर स्मॉल डाइपोल जिसकी वैल्यू हो गई निगेटिव के पी अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, तो फॉर स्मॉल डाइपोल आप ये रिलेशन भी लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इज इक्वल टू निगेटिव टू इक्विटोरियल। ठीक है, निगेटिव इसलिए आया क्योंकि इक्वेटोरियल की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ है तो एक्सियल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत शॉर्ट डाइपोल है, ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सेंटर, अब इससे आर दूरी पर एक पी पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँची है, तो ध्यान रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के पी अपॉन आर की पावर 3 अंडर रूट 1+3 कोज स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा देखो, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये आर वेक्टर। ठीक है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का और एक आर वेक्टर के। ठीक है, चलिए
अब देखो फोर्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है, अब इस पर हमने एक डाइपोल मोमेंट रख दिया ठीक है। तो ध्यान से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ क्या कौन कितना फोर्स लगेगा QE, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ जिसकी वैल्यू होगी QE ठीक है। अब देखो QE फोर्स इधर लग रहा है, QE फोर्स इधर लग रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा जीरो। तो जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड होगा तो उस पर नेट फोर्स लगता है जीरो। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2L ठीक है, मतलब ये एक डाइपोल दे रखा है। तो अब ये एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगी ठीक है। तो चलिए तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। यहाँ पर पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई वैक्टर क्या है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है। अब देखो टाउ जो है वो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का ठीक है, तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है टाउ परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के और टाउ परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को खोलोगे तो टाउ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम कहेंगे थीटा ठीक है। चलिए अब देखो बहुत बार टाउ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो ध्यान रखना टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है पी ई। यहाँ पर पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। और ध्यान रखना ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होती है ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन 90 डिग्री हो तब टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और टाउ की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है जीरो, और ये तब होती है जब थीटा की वैल्यू या तो जीरो डिग्री हो या 180 डिग्री हो ठीक है। चलिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू इंटू 2L जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखो टॉर्क ऑन, हाँ यार ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो इक्विलिब्रियम, देखो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में एंगल है वो जीरो डिग्री हो जाता है ठीक है, और नेट टॉर्क जीरो लगती है और नेट फोर्स भी जीरो लगता है ठीक है। वहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर भी नेट टॉर्क जीरो होती है और नेट फोर्स भी जीरो होता है ठीक है। देखो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो ठीक है। चलिए और देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम और उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव पी ई, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम और उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव पी ई ठीक है। यहाँ पर पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब देखो टाइम पीरियड, एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हम इसको जब अपनी पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल तो ये ओसिलेट करने लगेगा, उस ओसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है 2π अंडर रूट आई अपॉन पी ई। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल मोमेंट, पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए ठीक है, और एक फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या होता है फ्लक्स थ्रू नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस मतलब 3D बॉडी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है, मतलब जितना भी चार्ज है उस क्लोज बॉडी में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ठीक है। चलिए तो देखो फ्लक्स इसके बराबर है, फिर इस तरफ फ्लक्स इसके बराबर है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। चलिए
अब देखो एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, वो नोट पॉइंट क्या है, वो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ स्फीयर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता कि कोई भी क्लोज बॉडी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, इस पर चार्ज रखा है क्यू, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2R और इस पर भी चार्ज रखा है क्यू, तो दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब उसको साइज से लेना देना ही नहीं है। एक और नोट पॉइंट ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ही साइज पर डिपेंड करता ना ही शेप पर। अब देखो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर स्फीयर है, अगर तीनों में क्यू 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 चार्ज रखे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी और वो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, और एक बात और ध्यान रखो कि यहाँ पर जो क्यू इनसाइड लोगे वो विद साइन लोगे, मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल केस हैं जिनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे ये अगर स्फीयर है और इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं इस स्फीयर को हम काट दें और इसको हेमिस्फीयर बना दें, अब इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखें तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर एक क्यूब है और उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है तो पूरे क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, वहीं बहुत बार पूछ लेते हैं कि ईच फेस, मतलब फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मतलब जैसे ये एक फेस है, ठीक है, हर एक साइड को हम फेस बोल रहे हैं, तो हर फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो बताओ, तो उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सारे रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो अनइम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब देखो इस केस में एक क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखेंगे जबकि पिछले केस में एक क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा था। ठीक है, तो अगर आप एक क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखोगे तो फ्लक्स थ्रू क्यूब हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत बार हर फेस से फ्लक्स पूछेंगे कि अगर आपने एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा तो हर फेस से कितना फ्लक्स निकला वो बताओ, तो इसके दो आंसर होंगे, एक या तो जीरो होगा या क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान रखना, अगर आप एक क्यूब के कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखोगे तो इसके हर फेस से, मतलब तीन फेस तो ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो निकलेगा, बाकी बचे तीन फेस ऐसे होंगे जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों आंसर ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, आपने ये पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ध्यान रखो, अगर ये गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर क्यू वन क्यू टू इनसाइड चार्ज है और क्यू थ्री आउटसाइड चार्ज है, तो ध्यान रखना ये जो फ्लक्स होता है, मतलब यहाँ जो फ्लक्स में फॉर्मूला रखते हो वो आप सिर्फ वो चार्जेस रखोगे जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, मतलब क्यू वन और क्यू टू, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें आप आउटसाइड चार्ज भी लोगे और इनसाइड चार्ज भी लोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्यू इनसाइड रखोगे वो सिर्फ वो चार्जेस रखोगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो ध्यान रखना वो तीनों चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, चलिए अब देखो गॉसियन सरफेस, अगर देखो पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस बनता है स्फेरिकल, और अगर लीनियर चार्ज है तो गॉसियन सरफेस बनता है सिलेंड्रिकल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर देखेंगे हम, ठीक है, स्फीयर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखो एक स्फीयर दो तरीके का होता है, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अब होलो में भी दो आ जाते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में भी दो आ जाते हैं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो सरफेस पर रिसाइड करता है, ठीक है, जबकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर होता है। ठीक है, तो चाहे होलो कंडक्टिंग हो, चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम इन तीनों को साथ पढ़ेंगे, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिफरेंट होती है, तो इसीलिए हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, मतलब होलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो ये एक स्फीयर है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस वन, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ध्यान रखना। उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो चाहे होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन तीनों के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जीरो, सरफेस पर कितनी हो गई, ये हो गई के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्मॉल आर के, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा उम्मीद है। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब देखो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो अब इसके भी तीन केस बनेंगे, केस वन आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, जबकि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू आर अपॉन आर की पावर थ्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल आर के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हम ग्राफ देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, ठीक है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी के क्यू आर अपॉन आर की पावर थ्री, सरफेस पर कितनी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड कितनी थी के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर पर, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, सरफेस पर कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के, ठीक है। चलिए अब देखो समरी देख लेते हैं, यह है आउटसाइड सरफेस इनसाइड, ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए अब देखो यह होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, ठीक है। फिर इधर हम देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो देखो आउटसाइड में होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में भी कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आउटसाइड में कोई सा भी स्फीयर हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है, जबकि सरफेस पर भी देखो चारों स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और जो कि कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। बस फर्क आता है तो इनसाइड में, इनसाइड में अगर होलो कंडक्टिंग है या होलो नॉन कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, जबकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू आर अपॉन आर की पावर थ्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर होता है समाप्त, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी लगी आपको तो आप बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।